फ्रेंड्स, थोड़ी देर पहले मैंने अभी एक वीडियो देखी सोनू की। सोनू कौन? यानी बॉलीवुड वाला, जिनको सब लोग जानते हो और आप प्यार से उनको सोनू भी बुलाते हो, ठीक है। तो उनके मैंने एक वीडियो देखी अभी, रणवीर के ऊपर। वो कहते हैं कि भाई साहब, आप लोग इतने वेल्ले हो क्या कि रणवीर के बिना कपड़ों के फोटो को मतलब इतना बड़ा इशू बना रहे हो? तो और भी बहुत सारी चीज़ें बोली उन्होंने, बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, उनके ऊपर भी बात करो। तो सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता, ये बता दो, न्यूड फोटोशूट रणवीर ने किया था ना, किसी मूवी के लिए ना किसी मैगजीन के लिए, वो किया था खुद के पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। मतलब पर्सनल यूज है ना, पर्सनल फोटोशूट था वो वाला, ठीक है। और मैंने सुना था कि रणबीर ने अभी कुछ दिनों पहले 120 करोड़ रुपए का मुंबई में बंगलो लिया है। लेकिन सही बात है भाई, मतलब जो मेरे माँ बाप के, आपके माँ बाप भी कहते होंगे कि घर बांधना, मतलब घर लेना कोई छोटी चीज नहीं है, कपड़े उतर जाते हैं। और ये बात तो बिल्कुल सही है भाई कि 120 करोड़ देने के बाद हो सकता है शायद कपड़े उतर गए हो, जो था। और एक बात तो आप लोगों को पता होगा, हमने एक बात भी बोली थी कि नंगा ही तो आया था कि घंटा लेकर जाएगा। मतलब हम लोग तो भाई बस इसको एक लाइन ले लिए थे, मैंने तो इसको एक गाना ले लिया था। लेकिन लिटरली यार, रणबीर पूरा जी लिया इस गाने को, सच में जी लिया। तो ये तो था कॉमेडी, चलो कोई नहीं, जोक्स अपार्ट। बट हाँ, मुझे इससे प्रॉब्लम है, और इससे प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि रणबीर रोल मॉडल है, ठीक है। हम न्यूड कब होते हैं? जब रिक्वायरमेंट होती है, बिना मतलब कि न्यूड तो कभी कोई होता नहीं ना, ना कि न्यूड फोटोशूट होता है। और देखा जाए तो कोई भी एक्टर बॉलीवुड का न्यूड फोटोशूट कभी नहीं करता। न्यूड फोटोशूट कहाँ पे होता है ये आपको सबसे पहले बता दूँ, कोई आर्ट गैलरी में, वो भी कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं, स्पेसिफिक स्टूडेंट होते हैं, उन्हीं के सामने न्यूड फोटोशूट, या बोले सकते हैं उसको, वहाँ पे भी फोटोशूट नहीं होता है, न्यूड मॉडल्स खड़ी रहती है, ठीक है। वो तो एक पार्ट हो गया स्टडी का, ठीक है, वो एनाटॉमी के लिए होता है। लेकिन रणबीर जो किया है ना, तो आई डोंट लाइक इट। और अगर लोग उस पर ट्वीट कर रहे हैं और मीम्स वाले मीम्स बना रहे, तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत है। देखो, जो लोग ट्वीट कर रहे हैं उनको मजे लेने हैं, जो मीम्स बना रहे वो उनका धंधा है, ठीक है, वो उनका काम है, उससे उनको रोजी रोटी मिलती है। तो जो भी है भाई, सबका आप अपना काम है। अगर आप किसी को ऐसा बोलोगे कि दूसरे पॉइंट नहीं है क्या देश में, तो इस पॉइंट में भी क्या बुराई है? मैं तो बोलता हूँ पॉइंट तो है दुनिया में, ऐसा नहीं कि पॉइंट है, लेकिन ऐसा अगर सोचते रहे तो हर पॉइंट ही फिर हम छोड़ देंगे। और मेरे को तो प्रॉब्लम है। अब जो लोग बात बोलेंगे कि भाई तू तो व्यूज के लिए ये वीडियो बना रहा है, तो भाई मुझे एक बात बता, बॉलीवुड वाले सोनू भैया ने ये वीडियो क्यों बनाई? ऐसे ही डालने के लिए, जनरल नॉलेज के लिए? नहीं ना, उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो ही लिया ना, रणबीर ने न्यूड फोटोशूट का बहाना लेके हाथ धो लिए, तो भाई मैं भी बना रहा हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब सब यही करते हैं भाई, यूट्यूब पे कोई मतलब ये फ्री में काम करने को नहीं आया। अगर हम एक भी वीडियो बनाते हैं तो सोचते हैं कि उस पर कुछ व्यूज आए तो हमको भी पैसा आए, ठीक है। तो रन का जो मुद्दा है वो तो सब लोग उठाएंगे, ठीक है, मैंने भी उठा लिया अभी, और मैं भी उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो हाँ, आप लोग क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और मैं तो नहीं सोचता कि ये सब कुछ होना चाहिए, रणबीर काफी अच्छे एक्टर है, तो उन्होंने भी अपना थोड़ा सा रखना चाहिए, इज्जत रखनी चाहिए। मैं बोलता नहीं कि ये सब चीजें गंदी है या फिर मेरी सोच छोटी है, मेरी सोच बहुत बड़ी है, लेकिन सोच बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन ये सब चीजें मतलब कोई भी अग्री नहीं करता, ठीक है, कोई भी देश में नहीं करता। अगर बाहर के देश में होता हो तो वो उनका वेस्टर्न कल्चर या फिर जो भी कल्चर है, मुझे नहीं पता, वो होगा। लेकिन मेरा जो कल्चर है वो मेरा है, मैं हिंदुइज्म को मानता हूँ और मेरा कल्चर वो है, तो हमारे इसमें तो ये सब चीज़ें नहीं होती है, ठीक है, मोस्टली। और मेरे को नहीं लगता कि हमारे देश, मेरे हिंदू धर्म में क्या, कोई और धर्म की बात भी कर लो, तो वहां पे भी हम लोग इस चीज को तो भी अग्री नहीं करते यार, मतलब मेरे को तो नहीं लगता। अगर आप क्या सोचते हो इस बारे में, आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ, क्योंकि आप लोगों का भी क्या सोचना है वो भी तो मद्देनजर रखा जा सकता है ना। और मुझे भी बहुत हद तक ये चीज़ नहीं पसंद आई, फिर भी आप लोग क्या सोचते हो मुझे बताओ। उन्होंने जो बात बोली वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बॉलीवुड वाला ने, कि क्या है लोगों का बाकी काम नहीं है क्या? ठीक है यार, तुम भी तो बहुत सारे मूवीज के रिव्यू करते हो, जो लोगों को पसंद आती है तुमको नहीं आती, लेकिन तुम रिव्यू करते हो ना, तो वो भी मुद्दा है, ये भी मुद्दा है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। आप लोग क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब किया करो यार, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो फिर नोटिफिकेशन नहीं जाती, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, और फटाफट हमारा मोनेटाइजेशन भी तो ऑन करना है, तो जल्दी सब्सक्राइब करो और कमेंट करो फटाफट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।